हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजीराव स्पेशल पे। आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार दरोगा मेंस का कटअप को लेकर के आए हैं। जैसे हम बहुत छात्रोंगण से बातचीत किए हैं, बातचीत करके इस कटअप के बारे में जाने हैं कि इनका क्या स्कोर है, जनरल में कितने लोगों का कितने में है, EWS में क्या है, BC में क्या है, EBC में क्या है, SC में क्या है, ST में क्या है, और बहुत शिक्षकगण का भी हम लोग वीडियो देखे हैं। उसके गहन चिंतन करने के बाद हम इस कटअप को लेकर के आए हैं। जैसे कटअप निकालना है तो कटअप देना है, जारी करना है तो सबसे सटीक कटअप रहेगा ये यूट्यूब पर देखेगा, अब बाद में चल के यही परफेक्ट होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे जनरल हो गया, EWS है, BC है या EBC है, मेल हो या फीमेल हो, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया है तो थोड़ा सा इस बार जैसे देखिए रीजनिंग में कुछ इजी पूछा है, अब GS में थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया है, तो उसी के अनुसार से हम लोग कटअप भी जारी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जारी करते हैं जिसे कटअप, जिसे जानते हैं जिसे कटअप, जिसे जनरल में जो भी फीमेल आते हैं फीमेल, तो उनका कटअप जाएगा, जो भी लड़कियां लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका लगभग चल जाएगा 64 से 66। अगर 64 से 66 के बीच में नंबर आ रहा है तो उनको एकदम बेहिचक रनिंग करना चाहिए। और उसके बाद जो EWS वाले हैं, EWS वाले को बहुत ज़्यादा फायदा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनका कटअप जाएगा 61 से 63 के बीच में, मात्र 61 से 63 किनका रहने वाला है EWS, या मेल नहीं फीमेल का है, किसका है, फीमेल का है। और उसके बाद नेक्स्ट है फिर देखिए BC का, BC के जो भी BC में आते हैं उनका कितना कटअप जाएगा, उनका 62 से 64 के बीच में, और जो भी EBC के बीच में आते हैं उनका 61 से 63 के बीच में जाने वाला है कटअप फीमेल में। और फिर SC कैटेगरी में जो भी आते हैं फीमेल, उनका जाएगा 57 से 60 तक, 57 से लेकर के 60 तक, और जो ST में आते हैं उनका जाएगा 59 से 62 के बीच में। तो ये तो था फीमेल के बारे में, एक इसके बारे में था फीमेल के बारे में। अब हम लोग आते हैं मेल के बारे में। मेल में जो जाएगा देखिएगा, जनरल जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कटअप जाएगा 70 से 72 के बीच में। अगर 70 से 72 के बीच में है तो कोई भी मेरे प्यारे दोस्त है तो उनको हर हाल में रनिंग करना चाहिए, रनिंग में जी जान से मेहनत करना चाहिए। और EWS से हैं तो उनको जाएगा 66 से 68 के बीच में, 66 से 68 के बीच में है तो उनको रनिंग करना चाहिए। और जो भी बीसी में है उनका कटअप जाएगा 67 से 69 के बीच में। और ईबीसी है उनका जाएगा 66 से 68 के बीच में। और एससी है, वो एससी जो मेल है उनको 63 से 65 के बीच में, और एसटी वाले को जाएगा 64 से 66 के बीच में। देखिए इस बार थोड़ा जो क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा हट के पूछा गया, पहले से थोड़ा सा इस बार सीट भी कम है, इस बार सीट है जो 1275 है, तो आप लोगों को लगे ऐसे इस बार थोड़ा सा कटअप ज़्यादा जाना चाहिए, ज़्यादा तो जाना चाहिए मगर नहीं जाने के पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है तो हम बताते हैं आप लोगों को, रीजन है 1275 में, जैसे पहले का जगह पिछले बार का जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार का क्वेश्चन जो पूछा गया, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। पहले वाला देखिए पिछले साल वाला क्वेश्चन था, सीट तो दुगना था मगर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था इसे, मगर इस बार थोड़ा इजी से मॉडरेट कर दिया गया, इसी कारण थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन क्या जाएगा कटअप उसके अनुसार से थोड़ा सा कम जाने का संभावना है। और 100% देखिएगा यूट्यूब पे यही कटअप, फिर देखिएगा 10 दिन या 15 दिन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको हूबहू यही कटअप आपको लड़ जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।